युवराज, आप यहाँ? आपको कुछ चाहिए था? हमें जो चाहिए, क्या वो तुम हमें दे सकती हो? मैं एक देव रक्षिका हूँ और आपकी प्रजा भी। एक युवराज के लिए उसकी प्रजा कुछ भी दे सकती है। कहिए, क्या चाहिए आपको? तुम बच्चों की तरह किसी बात की जिद करना एक युवराज को शोभा नहीं देता। और अब बार बार एक ही बात क्यों दोहराते हैं? हम तुमसे एक बार जबरदस्ती रिश्ता जोड़ने की कोशिश कर चुके हैं, हम दोबारा ऐसा नहीं करना चाहते। मनु, हम तुम्हारे पास एक आखिरी बार आए हैं। मनु, या तो तुम हमें अपना लो, या तो हमेशा के लिए खो दो, या तो हमारे नाम का सिंदूर अपनी मांग में भर कर इस दुनिया के सामने हमारे रिश्ते को एक नाम दे दो, या तो ये हमारी शादी का निमंत्रण पत्र स्वीकार कर लो। ये मुमकिन नहीं है युवराज, क्योंकि मेरे दिल में आपके लिए कुछ भी नहीं। तुम्हारी जुबान तो सिर्फ एक ही चीज कह रही है कि तुम हमसे प्यार नहीं करती, लेकिन तुम्हारी आंखें तो सिर्फ यही कहती है कि तुम हमसे बहुत प्यार करती हो। कब तक खुद से झूठ बोलोगे मनु? कब तक? कह दो कि तुम हमसे प्यार करती हो। कह दो मनु कि तुम हमसे प्यार करती हो। हम पूरी दुनिया से लड़ सकते हैं तुम्हारे लिए। हम तुम्हारे आगे भीख मांगते हैं मनु। छोड़ो मुझे, मैं कहूँ छोड़ो? आज नहीं मनु, आज हम कहेंगे और तुम सुनोगी। अगर तुमने हमारा प्यार कबूल नहीं किया तो हमें ना चाहते हुए भी राजकुमारी से रिश्ता जोड़ना पड़ेगा, और हम अपने साथ गलत होता हुआ नहीं देख सकते। एक बार इस सिंदूर को अपना लो मनु, शगुनी होते हैं। जो काम ना आए उसे हाथ में क्यों लेते हो?